हम सलाम वालेकुम कादरी है और मैं तकरीबन 30-35 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। जितना काम भी किया माशाल्लाह एक्सपोर्ट के हिसाब से किया और अब तक कोई शिकायत किसी की हमारे पास तस्वीरें आती हैं, मेजरमेंट आ जाता है, बाद का मेजरमेंट नहीं आता, सिर्फ तस्वीर आती है तो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। मैंने काफ़ी ब्रांड के हैं, ज़ारा है, मैक डैगलस है, एलन है, ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ माशाल्लाह, मैक डैगलस तो बहुत ही बड़ी पार्टी है। कोई भी डिज़ाइन हो मैं बना सकता हूँ। देखिए ये मेरे पास इंटरटेकर साहब कोट का ऑर्डर आया है, मैंने ये भी बनाया है, सेट किया है, और ये मेरे ख्याल में होगन का भी मैंने बना कर दिया, होल्ड हो जॉन जिसको होगन बोलते हैं उसकी जैकेट आई थी, मैंने वो भी बना कर दी है, और ये अभी इंटरटेकर का दिख रहे मेरे हाथ में है, मैंने ये कोट बना कर दिया है इनको। ये अदाकार हैं लेवन सलवाए, इनकी जैकेट भी बनाई मैंने। ये है कि डिज़ाइन आया था गैलेक्सी के नाम से, बाहर का अलाकार था कोई बड़ा, उसका बना के मुझे बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो कोई बना ही नहीं रहा था यहाँ पर, पूरा सदर घूम लिया था उन्होंने, कि वो यहाँ आए तो मेरे को कांटेक्ट किया और मैंने उनको बना के दिया, मुझे भी खुशी हुई, उनको भी खुशी हुई कि जो चीज़ कोई नहीं बना रहा था वो मैंने बना के दिया। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अभी आजकल तो ये है कि डिज़ाइन बहुत कम, मतलब पुरानी डिज़ाइन ने कुछ थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दी, थोड़ी सी इसमें तब्दीली कर दी, इस तरह का हो रहा है आजकल तो, लेकिन जो डिज़ाइन बना चुके हैं आज से 20 साल पहले वो डिज़ाइन जो है ना, समझ लें थोड़े थोड़े से फ़र्क की डाल के बस वो नया डिज़ाइन बना देते हैं। और वैसे अपने डिज़ाइन भी डिज़ाइन किए हैं मैंने, अल्लाह के फजल से चले हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर शीप पर होता है, काऊ पे होता है और गोट पे भी होता है, ज़्यादातर वह शीप पर होता है। और मतलब दुनिया में लेदर पाकिस्तान का क्यों इतना नाम है, क्या वजह? वजह ये है कि ये स्माइल बदबू नहीं मारता, आप किसी भी मुल्क का उठा लें वो इसमें उठाएंगे ना सर के करीब भी नहीं लाएंगे तो बदबू देगा ये। तो पाकिस्तान का क्यों नहीं होता, वजह क्या? वजह बताऊँ, हम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो हम अल्लाह अकबर जब करते हैं ना तो समझ लो सारी बदबू गई, और दूसरे ममालिक हैं वो झटके का माल, आपको पता है किस तरह ज़िबा करते हैं, हम तो अल्लाह के नाम पर करते हैं, तो हमारा यकीन है इस बात का कि हम अल्लाह के नाम से ज़िबा करते हैं और जब काम करते हैं इसमें हमें कोई बदबू नहीं आती, बेहतरीन बहुत अच्छी स्माइल है, कोई मसला नहीं है, देखें आपके सामने पड़ा हुआ है। और अगर किसी भी मुल्क का आप ले लें, इटली का ले लें, जर्मन का ले लें, आप उसको कमरे में लटका दें और उस कमरे में बैठ के दिखा दें मुझे, आप इतनी स्माइल देगा वो, इतनी बदबू देगा कि आप सोचेंगे ये बदबू आ कहाँ से रही है, जबकि उस जैकेट जो लटकी है उसमें सारी। लेकिन मैं तो डिज़ाइनिंग करता हूँ, सिर्फ डिज़ाइनिंग के हिसाब से बात करूँगा, जैकेट के हवाले से नहीं करूँगा कि जैकेट कितने की बन गई, मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, मैं उसके डिज़ाइन के हिसाब से मेरे रेट मुकर्रर हैं वो मुझे मिल जाते, कम से कम 8,000 से ले कर 10,000 रुपये तक का, और बाद ऐसा है कि 50,000 रुपये तक का होता है जो बहुत हाई फाई है। पाकिस्तान में तो बहुत कम यूज़ होती है ज़्यादातर बाहर, क्योंकि हमारा मुल्क तो वैसे ही गर्म है, बहुत कम इस्तेमाल में आती है, और जो शौकीन होते हैं वो लोग पहनते भी हैं, ये नहीं कि नहीं पहनते, बहुत अच्छी खास तादाद में पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट होते हैं हमारे, और ऑनलाइन काम होता है हमारे यहाँ पर, जो ऑर्डर आता है बस वो बाहर ही जाता है, यहाँ नहीं बिकता। जैकेट तैयार होने में एक दिन लग जाता है, किसी में डेढ़ दिन लग जाता है, और जो बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है उनमें दो दिन भी लग जाते हैं।